So, in the previous class, we are talking about the toughness. Toughness के बारे में हम लोग बता रहा था, तो व्हाट इज टफनेस, टफनेस कैसे कैलकुलेट करूंगा, हाउ कैलकुलेट द टफनेस एंड हाउ आइडेंटिफाई व्हिच मटेरियल हैज मोर टफनेस, कौन सा मटेरियल का ज़्यादा टफनेस है कैसे पता चलेगा, ये हम लोग पिछले क्लास में बताया था, नहीं है ना? यस सर, यही है टफनेस ही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो नेक्स्ट नाउ तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव क्लियर टफनेस क्या है, कैसे पता चलेगा टफनेस। सपोज ये जो मिडिल में जो कार्व है, तो दिस कार्व, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व, जो मिडिल में जो कार्व है, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व, सपोज दिस इज द कार्व फॉर मेटेरियल और टाइप ए, ए मटेरियल का एक कार्व है, ओके, एंड देन दिस टाइप ऑफ कार्व इज फॉर मटेरियल बी, ओके, मीन्स दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व, है ना? स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व है, इज द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कार्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन कार्व, तो दिस इज फॉर मटेरियल बी एंड दिस इज फॉर मटेरियल सी, तो व्हिच मटेरियल हैव मोर टफर, कौन मटेरियल का टफनेस ज्यादा है, अगर ए और बी और सी, कौन से मटेरियल का टफनेस ज्यादा है? ए का सर, ए का ज्यादा है, क्यों? वो उसका एरिया ज्यादा है ना, टफनेस उसका एरिया ज्यादा है, देन भी सर ज्यादा होगा सर। एक ए, ए के बाद एक बात सर, बी बी देन सी, ओके, तो टफनेस कैलकुलेट करूंगा बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द एरिया अंडर द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व, ठीक है, यस ओके, तो ऐसे टफनेस पता चलेगा। नाउ नाउ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, तो ट्रू मीन क्या है? ट्रू मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, ट्रू मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, यही है ना? तो स्ट्रेस का एग्जैक्ट वैल्यू, स्ट्रेस का एग्जैक्ट वैल्यू मीन ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस मीन स्ट्रेस का एग्जैक्ट वैल्यू एंड स्ट्रेन का एग्जैक्ट वैल्यू, मीन इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग देखो क्या हो रहे, अगर मैं इसी रॉड को खींचूंगा, तो इफ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, देन व्हाट हैपेंस, द डायमीटर ऑफ द रॉड विल डिक्रीज, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है ना, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है, सपोज ये रहा मेरा इनिशियल इनिशियल डायमीटर मीन्स डी नॉट, ओके, आफ्टर अप्लाइंग ए लोड, आफ्टर अप्लाइंग ए लोड द मटेरियल इलोंगेट, इतना अमाउंट ऑफ इलोंगेट हुआ, कितना अमाउंट, दिस अमाउंट, ऐसे इतना अमाउंट ऑफ इलोंगेशन हुआ, है ना? ए दिस इज एक्चुअली डेल डेल्टा एल अमाउंट इलोंगेट हुआ, डेल्टा इलोंगेट, डेल्टा एल अमाउंट इलोंगेशन होने के बाद क्या होगा, डायमीटर विल रिड्यूस, डायमीटर घट जाएगा, ठीक है, सपोज ये डायमीटर है डी वन फर्स्ट स्टेप में, देन अगेन अगेन वी इंक्रीजिंग द लोड एंड मटेरियल विल अगेन इलोंगेट एंड डायमीटर विल रिड्यूस, ये होगा ना, ये डायमीटर डी टू, ओके, एंड इफ यू अगेन इंक्रीज द लोड द डायमीटर विल अगेन डिक्रीज, ओके, तो इनिशियली डायमीटर डी नॉट इज मोर देन डी वन देन डी टू देन ऐसे करके जाएगा, डायमीटर घटते जाएगा, तो डायमीटर घट रहा है मीन्स एरिया भी घट रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी घट रहा है, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो स्ट्रेस क्या होगा, उसी टाइम पर स्ट्रेस
स्पेस क्या है? स्पेस इज नथिंग बट ए तो स्ट्रेस इज स्ट्रेस मीन्स इज सिग्मा स्ट्रेस इज नथिंग बट ए फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता जाएगा मीन्स इफ यू इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस देन व्हाट हैपेंस फॉर ए कांस्टेंट लोड मीन्स अगर फेस एफ कांस्टेंट रहेगा तो सिग्मा विल इंक्रीज मीन्स स्ट्रेस विल इंक्रीज स्ट्रेस बढ़ते जाएगा ये ना। अगर इफ यू इन मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज होगा देन सिग्मा विल इंक्रीज। ओके तो मीन्स एट इंस्टेंटेनियस पॉइंट मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये अगर मैं इफ यू कैलकुलेट है द लोड तो मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस विल बी द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज दिस अमाउंट। ओके मीन्स एट स्ट्रेन वैल्यू ऑफ सपोज 5% तो आफ्टर 5% स्ट्रेस वैल्यू इज दिस अमाउंट इंजीनियरिंग स्ट्रेस सपोज 200। ओके तो 5% स्ट्रेन होने के बाद क्या हुआ मटेरियल का डायमीटर भी घटेगा तो इसी पॉइंट पर ट्रू स्ट्रेस कितना होगा? ट्रू स्ट्रेस होगा ये इसी मीन्स 5% स्ट्रेन होने के बाद जो डायमीटर घट गया उसी डायमीटर देकर डिवाइड होगा मीन्स एट दैट पॉइंट द ट्रू स्ट्रेस विल बी सिग्मा इक्वल टू फोर्स सपोज फोर्स इज फोर्स इज सपोज 10 kN तो द सिग्मा विल बी 10 kN मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाइड इट 1000 तो इट विल बी न्यूटन देन एरिया एरिया एट दैट पॉइंट मीन इंस्टेंटेनियस एरिया। ओके तो जैसे मीन्स एरिया घट रहा है स्ट्रेस बढ़ रहा है ये ना तो एट द पॉइंट एट ट्रू स्ट्रेस मीन्स एक्चुअली स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है एक्चुअली मेटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस मीन्स हम लोग डिवाइड किया ओरिजिनल एरिया से इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज एस इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए नॉट ए नॉट मीन्स ओरिजिनल एरिया मीन्स इनिशियल एरिया मेटेरियल का जो इनिशियल कंडीशन में जो जितना एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स डायमीटर डी नॉट। ओके उसी टाइम मेटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसी एरिया देकर मैंने डिवाइड किया बट जैसे मेटेरियल इलोंगेट हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है मीन्स ए नॉट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ओके सो सिग्मा ये जो ट्रू स्ट्रेस है तो ट्रू स्ट्रेस एट एनी पॉइंट सपोज इंस्टेंटेनियस पॉइंट यार एरिया विल बी ए आई तो ए आई विल बी ऑब्वियसली दिस ए आई मीन एरिया एट एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट विल बी ऑलवेज लेस देन ए नॉट मीन्स जो इनिशियल एरिया था उससे कम ही होगा। ओके सो ट्रू स्ट्रेस ए पॉइंट पर ट्रू स्ट्रेस ज्यादा होगा इतना होगा इसी पॉइंट पर भी सपोज अगर मैं इसी पॉइंट पर कंसिडर करूंगा देन ट्रू स्ट्रेस विल बी मोर अगर मैं इसी पॉइंट पर मैं कंसिडर करूंगा देन ट्रू स्ट्रेस विल बी मोर। ओके सो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नेचर इसी टाइप का होगा अंडरस्टैंड मीन्स ट्रू स्ट्रेस मीन्स लोड डिवाइडेड बाय एरिया एट इंस्टेंटेनियस पॉइंट एरिया घट रहा है तो मीन्स उसी टाइम मेटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था। ओके अंडरस्टैंड
यस सर, ओके, सिमिलरली ट्रू स्टैंड भी सही है. ट्रू स्टैंड मीन्स एट एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट मेटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है. ओके, तो सपोज तो दिस ट्रू स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एफ डिवाइडेड बाय ए आई. ए आई इज इंस्टेंटेनियस एरिया. ओके, एंड ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन इज एल एन ऑफ ए आई डिवाइडेड बाय ए नॉट. ए आई मीन्स ए सॉरी एल आई. दिस इज एक्चुअली एल आई डिवाइडेड बाय एल नॉट. एल आई मीन्स लेंथ एट इंस्टेंटेनियस पॉइंट. मीन्स सपोज मैं सेकेंड स्टेप के बाद कितना लेंथ हुआ, ठीक है, तो उसी रेस्पेक्ट फॉर मीन्स उसी लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ एंड टेकिंग द एल एन वैल्यू. सो दिस इज एक्चुअली ट्रू स्ट्रेंथ. ओके, नाउ एज द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, मीन्स मेटेरियल का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा. मीन्स अगर मैं मेटेरियल को रॉड को मैं खींचूंगा, लेट दिस रॉड विल इलोंगेट, बट इलोंगेट मीन्स द लेंथ विल इंक्रीज. ये जो लेंथ बराबर द मेटेरियल विल इंक्रीज, दिस लेंथ विल इंक्रीज, बट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिड्यूस. ओके, बट द वॉल्यूम मीन्स, वॉल्यूम मीन्स दिस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड this length, this concentration, this volume of the material remains constant. And material का volume तो नहीं घट रहा ना, volume of material remains constant. ठीक है, so initial volume means initial cross sectional area multiplied initial length. Okay, will be constant means will be same equal to the area at multiplied length at that instantaneous point. Okay, so from this formula you can write that just here I have divided this a naught by a one. Okay, so a naught divided by a one, here I have divided by, and so this a naught divided by a one equal to l I divided by l naught. Okay, so this li means original length and kitna increment hua, this delta l amount of increment hua. Originally the material have a length of l naught and this material increase the length delta l. Okay, so this is actually li. Okay, so this from this if you divided by l naught divided by l naught, that becomes 1, and delta l divided by l naught is nothing but a engineering strain. Okay, means delta l, this delta l kitna increment hua divided by l naught. L naught means originally kitna length tha. So this is nothing but a engineering strain. Kitna strain hua with respect to original strain. Sorry, this is E engineering strain. Okay, so this becomes 1 plus E. Understand? Now, sigma means kya? Sigma means true stress. So, true stress equal to F divided by instantaneous area. Okay, means F divided by instantaneous area. This is equal to sigma. So, just I am dividing this factor, means a not original area, and multiplying this same factor, means main a not dekar main divide kiya, and similarly a not dekar ya upar, means a not I have multiplied by a not also. So this a not will cancel, and it will become f divided by ai. So f divided by ai ko maine isi tarike se likha. So here f divided by a naught means kya hai? This is the force divided by original area. So this force divided by original area means S means stress, engineering stress. A engineering stress hai. This S is engineering stress. Engineering stress. Okay. And a naught divided by ai. So a naught divided by ai हम लोग कैलकुलेट किया, या
a naught divided by ai समान 1 प्लस ई, तो जस्ट पुट द वैल्यू 1 प्लस ई, सो सिग्मा बिकम्स, तो फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला मिला सिग्मा इक्वल टू एस इनटू 1 प्लस सॉरी 1 प्लस ई, ओके यार एस सिग्मा इज टू स्ट्रेस, तो टू स्ट्रेस इक्वल टू दिस इंजीनियरिंग स्ट्रेस एस मल्टीप्लाइड 1 प्लस ई, ई मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ओके सिमिलरली यू कैन सो टू स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू एस इनटू 1 प्लस ई, सिमिलरली यू कैन just to construct a relation between two strain and engineering strain, okay, so two strain equal to means two strain epsilon equal to ln of 1 plus e, you can formulate this relationship similarly. maine jo pehle jaise a wala relation maine ye kiya formulate kiya, you can formulate this type of relation. Just practice in at your home. Okay, understand? Yes. Yes, sir. Okay, so a two strain equal to epsilon, two strain epsilon equal to ln of 1 plus e. A just practice it at your home. A case formulate hoga. Okay. So now if you draw the engineering stress strain and two stress strain curve in a means in a common graph, so what will happen, so this black color curve is for engineering stress strain curve, okay, so now if you plot this curve, then sorry this so so this portion, this curve is for engineering stress strain curve, sorry, so this curve is for engineering stress strain curve. Now in case of true stress, so what will true stress कैसे होगा, तो इन केस ऑफ ट्रू स्ट्रेस द स्ट्रेस विल बी मोर एट एट दैट स्ट्रेन मीन एट एट इंस्टेंटेनियस पॉइंट मीन्स यहाँ जो स्ट्रेस होगा यार ज्यादा होगा, ठीक है, तो दिस इज द इनिशियली ट्रू इंजीनियरिंग स्टेशन का ये वाला ट्रू स्ट्रेस स्टेशन का, ओके मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इफ वी ड्रॉ दिस, तो दिस इज द नेचर ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिस्टम का एंड दिस इज द नेचर ऑफ ट्रू स्ट्रेस सिस्टम का, ओके तो द ट्रू स्ट्रेस विल बी ऑलवेज मोर देन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, okay, suppose if you considering at the point here in at instantaneous point here, so in this here the two stress, this is for two stress strain curve, so two stress means sigma versus epsilon curve, and this is for engineering stress, engineering stress is denoted by s, so s this is for s versus E curve, E means engineering strain. Okay. So so this true stress will be always more than the engineering stress at any instantaneous point. Suppose in this point, in this strain value, the true stress is more compared to this
engineering stage. Our in this strain value, the two stress is more compared to engineering stage. Suppose in this case, the true stress is more compared to engineering stress. Okay. Now, if you consider the strain value, means the true strain and engineering strain, so for a constant stress, suppose this stress value, this stress value, so in this case, the engineering strain is more compared to true strain. Suppose if you are considering this stress value, so in this case, also the engineering strain is more compared to true strain. Okay, so for a constant strain value, means for a constant strain value, means suppose strain value, fine strain is constant. Fine strain is constant, then true stress is more, means sigma is more and S is less. Okay. But when stress is constant, stress is constant, then true strain is less compared to engineering strain. Understand? Understand or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Sir. yes. So, now, so please off your microphone, please. Aditya, off your microphone. So now, so this is the nature. So this is for true stress strain curve, and this is the nature of engineering stress strain curve. Okay. Now, in true stress strain curve, there is a correction after necking, this necking point. So this necking point, there should be a correction. So why this correction is required? Because after UTS or after necking, the material is deformed at localized portion. Means suppose this is the original shape and size of the rod. Now at UTS, means at ultimate tensile stress or after ultimate tensile stress material, the necking formation occurs after UTS. And ऐसे necking होता है ना material में after UTS. After यस सर UTS material है जो formation of मिल necking. गया अब बात सर Yes, the formation of necking after UTS. Necking after this amount of deformation, after this UTS value, material पर ये ऐसे necking होता है. तो necking means after necking means material का इसी टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन मेटेरियल विल डिफॉर्म्ड ओनली एट दैट लोकलाइज्ड एरिया. मीन्स इसी एरिया पर डिफॉर्म होगा. ये जो बाकी जो
एरिया है, दिस एरिया मीन्स इन दिस एरिया एंड इन दिस रिमेनिंग एरिया, इन दिस एरिया मेटेरियल डज नॉट डिफॉर्म, ओनली दिस लोकलाइज एरिया मेटेरियल विल डिफॉर्म ओनली इन दिस लोकलाइज एरिया। ओके, तो ये लोकलाइज एरिया पर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और हम लोग ए टू ए स्ट्रेस जो कैलकुलेशन किया था, वी आर कंसीडरिंग द वॉल्यूम आर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। सो वॉल्यूम ऑफ द रिमेन कांस्टेंट, ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किया था वो कितना तक तो होगा, जो मटेरियल जितना तो यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हुआ था, ये ना मटेरियल का डिफॉर्मेशन जैसे यूनिफॉर्मली डिफॉर्मेशन हुआ था, मीन्स ये जो मटेरियल है इसका यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन जितना तक तो हुआ उतना तक तो ही हम लोग दिस फॉर्मूला विल मीन्स द वॉल्यूम इज कांस्टेंट जो अप्लाई किया, मीन्स ए नॉट इक्वल ए नॉट इंटू एल नॉट इक्वल टू ए आई इंटू एल आई, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया था टू स्ट्रेस कैलकुलेशन के टाइम, तो ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। आफ्टर यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, आफ्टर यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन मीन्स आफ्टर यूटीएस, अप टू यूटीएस देयर द मटेरियल इज डिफॉर्म्ड यूनिफॉर्मली, ए यूटीएस तक डिफॉर्मेशन है, तो ए डिफॉर्मेशन ए यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन कहते हैं, मीन्स मटेरियल विल डिफॉर्म यूनिफॉर्म, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। अप टू यूटीएस मटेरियल डिफॉर्म यूनिफॉर्मली मीन्स यूटीएस तक डिफॉर्मेशन, अप टू यूटीएस मटेरियल थ्रू आउट मटेरियल, थ्रू आउट द मटेरियल मीन्स थ्रू आउट एक्चुअली थ्रू आउट द गेज लेंथ, दिस इज द गेज लेंथ, तो थ्रू आउट द गेज लेंथ मटेरियल डिफॉर्म यूनिफॉर्मली, बट आफ्टर यूटीएस ए अप दिस इज द पॉइंट ऑफ यूटीएस, सो आफ्टर यूटीएस मटेरियल डिफॉर्म ओनली एट लोकलाइज लोकलाइज पोर्शन, लोकलाइज पोर्शन मीन्स वायर एट नेकिंग पोर्शन। ओके, अंडरस्टैंड, ए यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होने के बाद मेटेरियल ऑयल डिफॉर्म ओनली दिस लोकलाइज पोर्शन। सो ये जो जो वॉल्यूम कांस्टेंट हम लोग वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट ऐसे कंसीडर करके जो रिलेशन निकला था, मीन्स सिग्मा इक्वल टू एस इंटू एस मल्टीप्लाइड वन प्लस ई, मीन्स टू एस टेस इक्वल टू एस इंटू वन प्लस ई, ये जो फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली अप टू दिस यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, इतना तक ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसके बाद एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो डिफॉर्मेशन हो रहा है मेटेरियल वो नेकिंग पोर्शन पर ही हो रहा है, तो मटेरियल का जो वॉल्यूम कांस्टेंट है ये हम लोग अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए टू स्ट्रेस का जो कार्व है, दिस टू स्ट्रेस कार्व, इसका करेक्शन जरूरत है। ठीक है, ये टू स्ट्रेस कार्व का जो टू स्ट्रेस कार्व मिल रहा है ये एक्चुअली ये जो रिलेशन है मीन्स सिग्मा इक्वल टू एस इंटू वन प्लस ई एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एल एन ऑफ वन प्लस ई, ये दोनों जो रिलेशन है दोनों रिलेशन से ए टू स्ट्रेस वाला कार्व मिला। ओके, बट ए कार्व यूटीएस के बाद एक करेक्शन जरूरत है, क्योंकि यूटीएस के बाद मटेरियल लोकलाइज डिफॉर्मेशन हो रहा है एंड एज द मटेरियल इज डिफॉर्म्ड एट लोकलाइज पोर्शन, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस वॉल्यूम कंसिस्टेंसी, मीन्स जो वॉल्यूम कंसिस्टेंसी जो हम लोग अप्लाई किया फॉर्मूला निकालने के लिए टाइम, दिस फॉर दिस दिस कंसीडरेशन विल बी नॉट कंसीडर्ड आफ्टर यूटीएस। ओके, अंडरस्टैंड, तो यूटीएस के बाद करेक्शन की जरूरत है, आइदर द करेक्शन इज रिक्वायर्ड आफ्टर यूटीएस और यू कैन ड्रॉ द टू स्ट्रेस सिस्टम कर्व अप टू यूटीएस ओनली। ओके, मीन इतना तक ही ड्रॉ करनी है, इसके बाद ड्रॉ करना जरूरत नहीं है, अगर ड्रॉ करनी है देन यू हैव टू
correct the stress strain. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now another thing is strain hardening. So strain hardening means whenever the material is deformed. So what happened? Whenever the material is deformed, material कैसे deform होता है? Material is deformed by movement of dislocation. मैंने पिछले क्लास में बताया था material deform होता है due to the movement of what? Movement of dislocation. तो dislocation का symbol कैसा है? So this is the symbol for positive dislocation, inverted T, and this is the symbol for negative dislocation. Okay, so material deform होता है a dislocation movement के वजह. Okay, so this the movement of this dislocation. Okay, the deformation occurs as a mechanism of slip, means slip mechanism, as a slip का जो जिस mechanism है, so this slip mechanism से means material is deformed by slip mechanism. Okay, now so material deform हो रहा है due to the movement of this dislocation. Means dislocation is ना dislocation क्या है? Dislocation is nothing but a line defect. Line defect है ना? मैंने बताया था पहले क्लास में line defect. Two type of line defect. One is edge dislocation and another is screw dislocation. So the dislocation means deformation occurs due to this movement of dislocation. Okay, just remember it. Now तो मटेरियल कैसे होता है? डिफरेंट ग्रेन स्ट्रक्चर से होता है, ऐसे डिफरेंट ग्रेन स्ट्रक्चर होता है मटेरियल के. ठीक है, तो डिफरेंट ग्रेन स्ट्रक्चर मींस इसी ग्रेन पर जो एटॉमिक का जो अरेंजमेंट है, सपोज दिस इन दिस ग्रेन एटॉमिक अरेंजमेंट लाइक दिस, इसी डायरेक्शन पर है. ओके, इसी डायरेक्शन पर ऐसे यहाँ एटॉमिक अरेंजमेंट है इसी ग्रेन पर. ओके, सो यहाँ द डिसलोकेशन मीन्स डिसलोकेशन एज डिसलोकेशन विल बी लाइक दिस, इसी तरफ से होगा ना. एंड सपोज इन दिस ग्रेन द एटम्स आर अरेंज लाइक दिस. ओके, इन दिस ग्रेन एटम्स आर अरेंज like this. So in this grain the dislocations edge dislocation will be like this, ऐसे edge dislocation होता है. ठीक है, and suppose in this grain the dislocation atomic arrangement like this. Okay, so in this grain the dislocations will be like this. Okay, so now the dislocations will move. So move होने के बाद क्या क्या होगा? So this is the after moment the dislocation will just come at the boundary. ये जो grain boundary है, ग्रेन बाउंड्री पर इस लोकेशन मूव कर कर ग्रेन बाउंड्री पर आकर जमा होगा. ठीक है, यहाँ एंड दिस डिसलोकेशन कैन नॉट क्रॉस दिस ग्रेन बाउंड्री. ये ग्रेन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगा. क्यों? बिकॉज द एटॉमिक अरेंजमेंट इन दिस ग्रेन इज डिफरेंट कंपेयर टू दिस ग्रेन. ठीक है, सो देयर इज एक्चुअली मिस ओरिएंटेशन of the grain. On grain to grain there is a misorientation. So one plane to another plane, and the movement of one plane to another plane of the
दिस लोकेशन इज नॉट पॉसिबल एंड जैसे डिफॉर्मेशन होगा ये डिसलोकेशन लाइन बढ़ता जाएगा. डिसलोकेशन लाइन मीन्स डिपेट लाइन डिपेट बढ़ता जाएगा एंड दिस डिसलोकेशन विल बोथ दिस डिसलोकेशन विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड पाइल अप. ओके एंड वन दिस डिसलोकेशन विल पाइल अप देन दिस लोकेशन कैन नॉट बी मूव फर्दर. ओके सो देयर इज अ टू रीजंस. वन when these dislocations will pile up with each other then dislocation will cannot move further mean stop ho jayega ya stop ho jayega dislocation movement nahi hoga and when dislocations are come to the grand boundary then dislocation cannot pass from one grand boundary to another grand boundary so here the dislocation again stop ho jayega dislocation movement even when there is some particles in the means foreign particle in the material means impurity there is some impurity or foreign particle then the dislocation will come here and dislocation can be blocked. Okay this here the dislocation will come and dislocation will block dislocation further movement nahi hoga. So due to this the dislocation getting blocked so dislocation block hoga means dislocation ko movement karne ke liye zyada force ki zarurat hai. ओके तो जैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है डिसलोकेशन बढ़ रहा है एंड ड्यू टू डिसलोकेशन मूवमेंट मटेरियल हार्डेंड हो रहा है. ठीक है एंड एज द मटेरियल हार्डेंड जैसे मटेरियल हार्डेंड हो रहा है तो मोर एंड मोर फोर्स एंड स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड. ऐसे इसलिए जो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कार्व का जो नेचर है स्ट्रेस बढ़ रहा है मीन्स मोर स्ट्रेस जरूरत है. मोर स्ट्रेस बढ़ रहा है ना तो ऐसे स्ट्रेस बढ़ रहा है अलोंग दिस एक्स वाई एक्सिस ये स्ट्रेस सो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना सो स्ट्रेस बढ़ रहा है मीन्स मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मेटेरियल. सो वाई मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज द मेटेरियल गेट हार्डन सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन हार्डनिंग. अंडरस्टैंड मीन्स जैसे जैसे मैं मेटेरियल को स्ट्रेन करूंगा और खींचूंगा देन मेटेरियल विल गेट हार्डेंड. ठीक है तो यू ट्राई एट योर होम एक एल्यूमिनियम टेक एल्यूमिनियम रॉड एंड जस्ट इट बेंड एंड मींस बेंडिंग इट 3 to 4 टाइम्स जैसे बेंडिंग एंड अनबेंडिंग बेंडिंग एंड अनबेंडिंग देन सी द एट व्हिच पॉइंट मींस व्हिच एरिया द मटेरियल इज बेंडिंग दैट एरिया मटेरियल गेट हार्डन्ड उसी एरिया पर मटेरियल हार्डेंड हो जाएगा. ठीक है तो एंड दिस स्ट्रेन हार्डनिंग इज रिटेन इज दिस स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल इज रिलेशनाइज बाय अ रिलेशन दिस रिलेशन दिस इज कॉल्ड द होलोमैन इक्वेशन. व्हाट इक्वेशन होलोमैन इक्वेशन. इन होलोमैन इक्वेशन से दैट सिग्मा इक्वल टू के एन टू एप्सिलॉन पी होल टू द पावर एन. ओके तो दिस इज एक्चुअली द होलोमैन इक्वेशन. तो बाय दिस होलोमैन इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट दैट द मटेरियल द हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल मीन्स यार दिस के इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ कोफिशियंट and this n value is strain hardening exponent. So from this strain value you can understand the material is how much the material have the hardening strain hardening capability. Okay this sigma is stress, n is strain hardening exponent. So from the value of strain hardening exponent you can understand that the material is how much it's have a strain hardening capability. Okay K is strength coefficient epsilon p is the true plastic strain true strain that is that's why it is given as epsilon and here p represents the plastic strain.
actually there is two parts in the total strain. One is plastic and another is elastic strain. So this is the total true strain. This total true strain epsilon t is nothing but a summation of elastic strain plus plastic strain. Means कितना तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ था देन विथ द एडिशन ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन. सो दिस एप्सिलॉन टी इज इलास्टिक स्ट्रेन एंड देन एप्सिलॉन पी इज प्लास्टिक स्ट्रेन. ओके नाउ इलास्टिक रिकवरी. सो सपोज यू आर अप्लाइंग ए लोड. सो जस्ट यू आर अप्लाइंग ए लोड ऑन द मटेरियल और यू आर you are straining the material. So if you are straining the material, then the low more and more load is required. Or in other words means aap aise bhi keh sakte ho, agar main load apply karunga then material will elongate. Okay, now after reaching this amount of stress or this amount of strain value, okay, this amount of strain value means suppose after reaching 10% of strain, total strain or engineering strain. So after reaching 10% of strain value, you are just reload the material. Means यहाँ से मैं load remove कर दिया. Means मैं material को रॉड को विद इस मटेरियल को मैंने ग्रिप करके खींच रहा था. जैसे मटेरियल 10% इलांगेशन हो गया, 10% इलांगेशन हो गया, ठीक है, 10% इलांगेशन हो गया, ये जो लोड मैंने अप्लाई किया था लोड रिमूव कर दिया. ओके देन व्हाट हैपेंड, व्हाट विल हैपेंड. तो जैसे मैंने लोड रिमूव किया मटेरियल विल मीन्स मटेरियल जो लोड किया था वो अनलोड होगा. तो मीन्स में अनलोड कैसे होता है, अनलोड होता है, अनलोड का कार्य जैसे जैसे लोडिंग हुआ था ठीक सिमिलरली मीन्स पैरेलली. अगर मैं यहाँ जो लाइन खींचूंगा देन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल. मीन्स मटेरियल का दो ई वैल्यू है. मीन्स यंग मॉडुलस इज what is young modulus? Young modulus is nothing but a slope of this linear portion. It's a linear curve, a linear curve ka slope. So e material ka jo e value hai usi according material will unload. Means jaise load hua tha theek similarly usi parallel line pakad ke material unload hoga. So unload ke baad तो मटेरियल मटेरियल को कितना कितना तो स्ट्रेन किया था. सो यू हैव स्ट्रेन द मटेरियल अप टू 10%. ऐसे 10% किया था ना. बट जैसे अनलोड हुआ मटेरियल, अनलोड होने के बाद मेजर किया जो मटेरियल का स्ट्रेन है दिस अमाउंट इतना तो कही है. ओके तो सपोज दिस इज 9%. ओके दिस वैल्यू इज अप टू 9%. सो ये जो 1% वैल्यू है दिस 1% मीन्स इतना तो 10% था, 10% खींचा था. बट 10% खींचने के बाद मेटेरियल को अनलोड किया, अनलोड होने के टाइम 1% रिकवरी हो गया. सो दिस 1% वैल्यू मीन्स इतना परसेंट रिकवर हुआ, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी. ओके understand. Yes sir. Yes sir. Yes. Yeah, so what is the elastic recovery? Yes sir. So elastic recovery kya hai? So what is elastic recovery? Yes. Anyone? So
मेटीरियल को स्टेन करने के बाद सपोज मैं 10% स्टेन किया, मीन्स 10% लंबा किया, खींचा 10% खींचा, ठीक है। ए वैल्यू है, ये जो डी पॉइंट है का वैल्यू है स्टेन वैल्यू, जो स्ट्रेन वैल्यू एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेन है ना, तो इतना तक 10% मैंने स्ट्रेन किया था। ओके, 10% स्ट्रेन आने के बाद मटेरियल का मैंने जो लोड अप्लाई किया था, सपोज मैंने इतना तक लोड अप्लाई किया था, इतना तक लोड अप्लाई किया था। ओके, सपोज एफ इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, तो 15 किलो न्यूटन लोड अप्लाई किया, उसके बाद लोड को रिमूव कर दिया, मीन्स पूरा लोड घटा दिया, तो मेटेरियल क्या होगा, मेटेरियल अनलोड होगा, मीन्स लोड जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। तो जीरो होने के बाद मेजर करके देखा मेटेरियल के अंदर स्ट्रेन है 9%, मैंने 10% स्ट्रेन किया था, 10% स्ट्रेन किया था, 10% खींचा था मेटेरियल को, ठीक है। बट जैसे मैंने अनलोड किया मेटेरियल, अनलोड के बाद मेटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है 9%, तो 1% 10% से 1% की क्या हुआ, घट गया ना, 10% खींचा था, बट अभी ये स्ट्रेन है 9%, तो 1% क्या हुआ, 1% कहाँ गया। अच्छा हाँ, मैंने मटेरियल को 10% खींचा था, रिमूव 10% खींचने के बाद जो मैंने लोड अप्लाई किया था, ये लोड मैंने हटा दिया, तो मैं जैसे हटा दूंगा मटेरियल का क्या होगा, लोड हटा दूंगा मैं, मीन्स क्या होगा, मटेरियल का लोड जीरो होगा ना, कोई लोड नहीं रहेगा, जीरो होगा, तो लोड लोड जीरो जीरो तक आ गया, जीरो तक आ गया मेटेरियल का लोड। तो जैसे जीरो आ गया, मैंने मेजर किया इसका स्ट्रेन है 9%, तो 1% वैल्यू कहाँ गया, 10 से 1%, 10 से 9% तक हो गया, 1% कहाँ गया। सर उसको मतलब जो लगाया ना सर उसको यूज किया जो मतलब इस्तेमाल किया सर उसमें खर्च हो गया सर। खर्च हो गया, तो ये जो 1% है, ये 1% स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी, मीन्स मेटेरियल का इलास्टिक रिकवर्ड हो गया। जी सर ओके, दिस 1% इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी। ओके ओके, ओके तो सर इलास्टिक रिकवरी मीन्स मेटेरियल का जो स्टैंड किया था वो इलास्टिकली रिकवर्ड हुआ, इलास्टिकली रिकवर्ड हुआ मीन्स ये डिपेंड, दिस इलास्टिक रिकवरी विल डिपेंड ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड होता है, जो ई वैल्यू से, ठीक है। ई वैल्यू मीन्स स्लोप, ये जो अगर ये जो स्लोप है, ये स्लोप ऐसे होता तो मटेरियल का ज्यादा रिकवरी होता, होता कि नहीं, यस सर, ज्यादा रिकवरी होता है। ज्यादा होता। अगर ई का स्लोप कम है, ऐसे कम है, तो कितना होता, कम होता, रिकवरी कम होता। तो दिस इलास्टिक रिकवरी इज डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। ओके, तो दिस इज जस्ट ए, दिस इलास्टिक रिकवरी इज द, मीन्स दिस इज ए इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन द ई वैल्यू, मीन्स इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा है, उसका ज्यादा रिकवरी होगा। जैसे कौन सा मेटेरियल का इलास्टिक इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है, मीन्स इलास्टिक रिकवरी, जो मेटेरियल इतना सॉफ्ट है। ओके, तो दिस इज द होमवर्क, तो दिस इज द कर्व, मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, सो फ्रॉम दिस कर्व एक्चुअली यार इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोथ आर गिवेन, वैल्यू वैल्यू यह है, यहाँ इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है,
अगर इसको मैं 100 देकर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू दिस एक्सटेंड वैल्यू वैल्यू का यूनिट क्या होगा, इन परसेंटेज हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर मैं इसको 100 देकर मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस वैल्यू विल बी इन परसेंटेज। ओके ओके सर यस एक्चुअली यस। सर वो नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया सर। ठीक नहीं ये ठीक है, है मैं सर। छोड़ रहा हूँ, अभी क्लास खत्म हो गया। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क पढ़नी है, एंड इसमें आंसर भी मल्टीपल चॉइस का दिया हूँ, तो कौन सी आंसर सुटेबल है और ये करके नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए। ओके मैं अभी ये मैं आज ही ये पीपीटी शेयर करूँगा। ओके तो जस्ट डू इट, इट इज योर होमवर्क। ओके थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर तो व्हाट्सएप पर नहीं डालने सर? नहीं सॉरी, उस पे कॉल बोल पे सर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट नहीं है, ये होमवर्क है। असाइनमेंट तो मैं दूंगा, ये जस्ट होमवर्क है। ओके सर, ओके जी। ओके ठीक है। ओके थैंक यू। एनी क्वेश्चन? थैंक यू नो सर। सर। थैंक यू सर। ओके।